और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो हो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हमें जीवन की एक सच्चाई को हमेशा हर इंसान को समझना है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको करना है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन से आप बहुत ही दूर रहोगे। यह सच्चाई है, इस चीज़ को आप जब समझ लो, ठीक है। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है रीजनिंग का पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। एजम्पशन होता है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों यह समझना है कि अगर हमें कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट देने के बाद उसके अनुसार दो हमारे पूर्व धारणा देंगे यानी अनुमान। अनुमान कब के लिए लगाया जाता है? पास्ट के लिए तो लगाया नहीं जाता है, फ्यूचर के लिए लगाया जाता है। तो जो अनुमान दिया हुआ है वह कथन के अनुकूल है यानी कथन के अनुसार है तो हमारा अनुमान सही है, और कथन के अनुसार नहीं है तो अनुमान गलत है, ठीक है। किस बेसिस पे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अगर मान लो कि कहीं पे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है या सूखा हो गया, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने लोगों से यह आह्वान किया कि हमारे यहाँ काम के बदले आपको खाना दिया जाएगा, काम के बदले आपको भोजन दिया जाएगा। अब इसमें लोगों ने यह समझा कि इसका पूर्व अनुमान यह लगाया जा सकता है कि सरकार के पास हर किसी को जो रिक्त निधि देने की आवश्यकता है, खाद्यान्न देने की आवश्यकता है, वो सरकार के पास पर्याप्त भंडारण है। सेकंड यह हो सकता है कि जो लोग काम के बदले जिनको भोजन मिले, तो उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, वो आपदा उस अकाल क्षेत्रों में कम से कम एक टाइम तो भोजन मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आखिर यह अनुमान कैसे सही है और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। अब इसमें हमें दिया हुआ है पूर्व धारणा का मतलब होता है कि इस कथन के अनुसार क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसमें दिया हुआ है इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, सेकेंड हमारा दिया हुआ है, हो सकता है
इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार एक बार खाना मिल जाए, अब इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही है, बी दिया हुआ है, सेकंड सही है, सी दिया हुआ है, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है, ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, और ई दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है, चलिए एक एक बिंदु को हम डिस्कस करते हैं। हमारा कथन दिया हुआ है कि सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। अतिरिक्त काम का मतलब होता है कि ओवर ड्यूटी। अतिरिक्त काम, अगर मान लीजिए कि आपको 8 घंटे काम करना है और सरकार ने कहा कि इसके बदले अगर आप 1 घंटे और ज़्यादा काम करते हो, 2 घंटे और ज़्यादा काम करते हो या 3 घंटे ज़्यादा काम करते हो, तो इसके बदले आपको अनाज दिया जाएगा। या किन क्षेत्रों में, जहाँ पे सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। सूखा तभी होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, सुखाड़ हो जाता है। जैसे आप देखते हो कि बहुत बार जहाँ पे सरकार अगर सही टाइम पे आपको जॉब नहीं देती है, सही टाइम पे कंपटीशन का टेस्ट नहीं लेती है, तो सुखाड़ आ जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्या करें, तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन जब टेस्ट ही नहीं हो रहा है, कंपटीशन का एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो क्या पास होंगे क्या फेल होंगे। ठीक है, तो हमें यह समझ में आ गया कि यह हमारा कथन है। अब इस कथन के द्वारा, इस स्टेटमेंट के द्वारा जो दो हमारा अनुमान लगाया गया है, यानी पूर्ण धारणा किया गया है, हम इसको पढ़ते हैं, क्या यह कथन के अनुसार ये है कि नहीं है। पहला दिया हुआ है, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। पर्याप्त निधि का मतलब होता है सरकार के पास पर्याप्त धन हो, पर्याप्त खाद्यान्न हो। यानी सरकार ने कहा है सूखाग्रस्त क्षेत्र में कि जो भी समय से ज़्यादा अतिरिक्त काम करेंगे, यानी ओवर ड्यूटी करेंगे, उनको उनके उस काम के बदले उनको अनाज दिया जाएगा। तो सरकार ऐसे अलाउंस तभी करेगा जब सरकार के पास ऐसा निधि होगा, सरकार के पास अनाज का स्टॉक होगा। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। जो चीज़ सरकार के पास नहीं होगा उसी अलाउंस ही नहीं करेगा। सेकंड बता रहा है, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। तो फिक्स है कि जहाँ भी प्रभावित लोग होता है, जहाँ पे हमारे भूकंप आए, सुनामी आए, या कोरोना वायरस के वजह से बहुत जगह जॉब भी चली गई है, या सूखा आ जाए, तो इन क्षेत्रों में अगर सरकार ऐसा पॉलिसी कर रही है तो बिल्कुल हो सकता है कि कम से कम एक समय तो अच्छा से खाना मिल जाए। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी गलतियाँ नहीं है। तो यह हो सकता है कम से कम एक दिन में एक बार खाना मिल जाए, तो ये भी हमारा पूर्ण धारणा क्या है, ये भी अनुमान लगाना बिल्कुल ही सही है। यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 5। और इसमें ये भी देखना है कि ऐसा तो है नहीं कि सरकार केवल कहेगा कि दिन में एक बार ही खाना है, यानी 24 आवर में एक बार ही खाना है, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन यह है कि कम से कम मिल जाए। अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पे खाने के अकाल पड़ रहे हैं, अगर चावल रोटी के बदले हमें केवल चूड़ा ही या पोहा ही खा कर रहना पड़ रहा है, या जो हमारे गुड़ होते हैं गुड़ खा कर रहना पड़ रहा है, या चना खा कर रहना पड़ रहा है, वहाँ पर अगर 24 घंटे में अगर पूरे दिन भर में एक बार भरपेट खाना मिले तो उससे तो अच्छा ही है। तो हो सकता है कि कम से कम दिन में एक बार अच्छे से खाना मिले, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे पूर्व अनुमान बिल्कुल ही सही है। अब मैं अपने प्यारे बच्चों को, अपने प्यारे दोस्तों को यह बताना चाहता हूँ कि जीवन में आप एक बात याद रखो कि जब भी कॉम्पिटिशन देना है
तो अपने आप से पूछो, दूसरे से मत पूछो, अपने आप से पूछो कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है हमें 24 आवर में, अगर 6 आवर, 5 to 6 आवर अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो डिफिनेट वन से पढ़ना ही है। अगर आप 5 to 6 आवर पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो आप सोचो ये कंप्लीट आपका पैसे भी बर्बाद होंगे, टाइम भी बर्बाद होगा। वह स्टूडेंट जो सबको रोज़गार देता है, कोई भी कोचिंग संस्था हो गई, रूम ऑनर हो गए, खाना हो गए, मेस हो गए, हर चीज़ को, टेम्पू रिक्शा हर चीज़ को रोज़गार देता है, पर वो सबसे ज़्यादा बाद में बेरोज़गार हो जाता है। इसलिए बेरोज़गार हो जाता है कि वो अपने सच्चाई को समझ नहीं पाता है, वो अपने आप को पूछ नहीं पाता है कि जब जिसकी कंपटीशन अगर 80-85% 90% पे अगर कट ऑफ जा रहा है तो क्या उसके अनुसार मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत करूँगा। 100 में 100% जितने भी बच्चे होते हैं सबके पास कैलिवर होता है किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रेक करने का, 100 में 100% बच्चों के पास। लेकिन डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट कैसी है, आपकी चाहत कैसी है, आपकी इच्छा शक्ति है कि नहीं है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। इच्छा शक्ति नहीं है, जिस फील्ड में आपकी इच्छा शक्ति नहीं है उस फील्ड में आपको बिना मन का काम करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। यह सच्चाई है, यह फैक्ट है, इसको समझें और वहीं काम करें जिसमें आपको इच्छा हो और जिससे आपका जीवन यापन अच्छे से चले। ऐसे नहीं है कि अब आप देखो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है तो आप सोचोगे मैं हीरो ही बन जाऊँ, तो हीरो बनने के लिए वैसी पर्सनालिटी, वैसी कैलिवर, वैसी एक्टिंग होनी चाहिए ना। तो आपके पास जो चीज़ नहीं हो, इंटरेस्ट भी नहीं हो और उसमें केवल पैसा देके उसमें लग जाइए, आप सोचिए कि आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए आपको पता है कि 8 से 10 घंटे डेली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी मैक्सिमम करना पड़ेगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे नहीं बढ़ोगे। और आप क्या करो, रोज 1.5 घंटे 2 घंटे ही पढ़ाई करो, जब इच्छा किया पढ़ लिया, नहीं इच्छा किया नहीं पढ़ लिया। तो आपका जब इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका जुनून ही नहीं है, तो कैसे आपका यूपीएससी क्रैक होगा, नहीं क्रैक होगा, कंप्लीट टाइम और पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने आप को सोचो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, पढ़ाई में है कि कोई काम में है, कोई कोई टेक्निकल समझने में है। भीड़ की दुनिया में मत दौड़ो, खुद को सुनो, खुद से पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।